हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से चेंज फ्रॉम यार्ड, यार्ड को हिंदी में गज बोलते हैं, टू मीटर एंड फीट। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी लैंड को, किसी भी एरिया को, किसी भी फ्लैट को या ज़मीन को, खेत को या किसी फील्ड को हम यार्ड से, मतलब गज से मीटर या फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे मीज़र करेंगे, उसके बारे में हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी यार्ड को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंच में कैसे कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कैसे कर सकते हैं। तो वन यार्ड इक्वल टू होता है 0.9144 मीटर, या हम कह सकते हैं इक्वल टू, शॉर्ट में कहें तो इसे 0.91 मीटर कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट इवेल्यूएशन करना है तो हम डेसिमल के फोर प्लेस तक लेके चलेंगे, तो वन यार्ड इक्वल टू 0.9144 मीटर। ठीक है, एंड आगे देखते हैं स्टूडेंट। वन यार्ड इक्वल टू, मतलब एक गज बराबर इक्वल टू 2.9885556 फीट होता है। अगर इसे हम राउंड फिगर में करें तो एक यार्ड मतलब एक गज में तीन फीट होता है, तो वन यार्ड इक्वल टू 3 फीट। फीट को FT से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, यार्ड गज को शॉर्ट में YD से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वन यार्ड इक्वल टू 36 इंच होता है, कहने मतलब एक गज में 36 इंच होता है। वन यार्ड इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर, एक गज में 91.44 सेंटीमीटर होता है। अब एक क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट, इसके माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन यार्ड्स टू मीटर, फीट, इंच एंड सेंटीमीटर। कहने का मतलब दिए गए यार्ड को हमें मीटर में, फीट में, इंच में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें हमने फोर क्वेश्चन लिया है, 3 यार्ड, 6 यार्ड, 4.5 यार्ड और 10 यार्ड। तो हम इसमें एक करा दे रहे हैं, बाकी आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करिएगा। तो हम फर्स्ट करा रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट को करा रहे हैं। आइए फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट यार्ड टू मीटर, यार्ड से हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट आपके सामने। तो वी नो दैट वन यार्ड इक्वल टू होता है 0.9144 मीटर, एक यार्ड में 0.9144 मीटर होता है, आपको पता है, अभी आगे हमने बताया था इसके पहले। तो 3 यार्ड को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 3 यार्ड इक्वल टू हो जाएगा 3 × 0.9144, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.7432 मीटर। इसे थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे डेसिमल का थर्ड प्लेस ये 5 से लेस है, डेसिमल का फर्स्ट प्लेस 5 से लेस है, तो इसे हम हटाएंगे तो कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं होगा। तो हमारा 3 यार्ड इक्वल टू हो जाएगा 2.71 मीटर। अगर 3 यार्ड, 3 गज को मीटर में कन्वर्ट करें तो 2.74 मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब यार्ड को हम चेंज करते हैं फिट में। इसमें चेंज करेंगे, फिट में चेंज करेंगे। आइए हम चेंज करते हैं यार्ड को फिट में। तो यार्ड टू फिट, वी नो दैट वन यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है, एक गज में 3 फीट होता है, आप जानते हैं अभी, अब इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो फीट को कहेंगे फुट भी बोल देते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट है, तो 3 यार्ड इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 फीट, तो 3 × 3 = 9 फीट। तो 3 यार्ड में, 3 यार्ड में 9 फीट होता है। अब हम स्टूडेंट यार्ड को इंच में चेंज करेंगे। तो यार्ड टू इंच, वी नो दैट 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच होता है, एक यार्ड में 36 इंच होता है। सो 3 यार्ड इक्वल टू हो जाएगा 3 × 36, क्योंकि एक यार्ड में 36 इंच होता है, तो 3 यार्ड में 3 × 36 करेंगे तो 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 इंच हो जाएगा। कहने मतलब 3 यार्ड को अगर हम इंच में चेंज करें तो 108 इंच होता है। अब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे स्टूडेंट, यार्ड टू सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 यार्ड इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर होता है, देन सो 3 यार्ड इक्वल टू हो जाएगा 3 × 91.44 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 274.32 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहने का मतलब 3 यार्ड में 274.32 सेंटीमीटर होता है। एक क्वेश्चन और लेंगे स्टूडेंट। अब मान लीजिए कोई फील्ड है, मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके सामने,
जिसमें जिसका लेंथ है 20 यार्ड और ब्रेथ है इसका 10 यार्ड, इसका एरिया फाइंड करना है मीटर में, स्क्वायर मीटर में एंड स्क्वायर फीट में इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर स्क्वायर मीटर में एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो आप जानते हो एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। तो अब इसका देखो लेंथ, इसका इस फील्ड का लेंथ है 20 यार्ड, चूंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो लेंथ को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और ब्रेथ को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका लेंथ है 20 यार्ड है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 यार्ड में 9.9144 मीटर होता है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.9144 मीटर इसका लेंथ हो गया। ब्रेथ की बात करेंगे, ब्रेथ इसका 10 यार्ड दिया गया है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9144 मीटर। 20 में 0.9144 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 18.288 मीटर, और 10 यार्ड को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 9.144 मीटर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 167.225472 स्क्वायर मीटर। इसे शॉर्ट में करेंगे तो इसका देखो थर्ड डिजिट 5, डेसिमल का थर्ड डिजिट 5 है तो इसमें 2 में एक ऐड हो जाएगा, 2 में एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 67.32 स्क्वायर मीटर। तो कहने का मतलब इस फील्ड का जो आपके सामने फील्ड दिया है यार्ड में, इसका एरिया निकाला हमने मीटर में तो ये आ गया 167.32 स्क्वायर मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी लेंथ को हम जो है कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फीट में, इसका एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर फीट में। तो आइए देखते हैं इसका एरिया स्क्वायर फीट में कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया इन स्क्वायर फीट, एरिया का फार्मूला आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इसका 20 यार्ड दिया गया है तो पहले हम यार्ड को फीट में चेंज करेंगे, 1 यार्ड में 3 फीट होता है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 इसका फीट इसका लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ में 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 फीट 60 फीट हो जाएगा इसका लेंथ, और 30 फीट हो जाएगा इसका ब्रेथ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 फीट स्क्वायर। तो कहने मतलब इसका इस एरिया जो फील्ड था उसका एरिया फीट में आ गया 1800 वर्ग गज, 1800 वर्ग गज इसका एरिया आ गया इस फील्ड का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम होमवर्क की बात करेंगे आपके सामने। तो आपके सामने होमवर्क के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं होमवर्क में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन जो हमने कराया था उसका 4 पार्ट दिया था, एक पार्ट कराया था। तो पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2nd, 3rd, 4th ये होमवर्क है, और थर्ड क्वेश्चन है कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ है 15 यार्ड और ब्रेथ है 10 यार्ड, इसका एरिया फाइंड करना है स्क्वायर मीटर में और स्क्वायर फीट में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया आप इस लेक्चर के माध्यम से चेंज फ्रॉम यार्ड टू मीटर फीट एंड सेंटीमीटर एंड इंच। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किसी भी एरिया को, किसी भी लेंथ को कैसे हम यार्ड से मीटर में चेंज करते हैं, कैसे हम यार्ड से फीट में चेंज करते हैं, कैसे हम यार्ड से इंच में या यार्ड से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपके लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।